तो देखो, अभी तक हम सर्कल पे डिस्कस कर चुके हैं और ट्रायंगल पे भी हम काफी रिजल्ट देख चुके हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी रिजल्ट निकलता है, जैसे इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, सेंट्रॉयड, इन सब पे आज हम देखेंगे। बाकी भी कुछ रिजल्ट्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, वो सब देखेंगे आज। देखो, तो कोई भी ट्रायंगल है अगर, और उसके अंदर से एक सर्कल पास कर रहा है जो उसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। अगर आप ये फिगर देखो तो इसके अंदर एक सर्कल है जो तीनों साइड को टच करता हुआ जा रहा है। तो उस जो सर्कल का सेंटर होता है वो हमारा इन सेंटर होता है। तो ये हमारा इन सेंटर हो गया। इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंगल है ना, अगर इसके तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर दें तो ये जहां से पास करेगा वो आपका इन सेंटर होगा, और ये यही इसका सेंटर ही होगा, सर्कल का सेंटर ही होगा वो। तो दो तरीके से हमने देख लिया कि अगर कोई ट्रेंगल है, सर्कल उसके तीनों साइड को टच करता हुआ पास हो रहा है, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा इन सेंटर हो गया। या तो कोई ट्रेंगल है उसका हम एंगल बाइसेक्टर कर दिए तीनों साइड्स का, तो तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर दिए तो जहां पर वो मीट करेगा वो हमारा इन सेंटर होगा। तो देखो, अगर कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर भी तो मीट कर रहे हैं, तो ये भी तो इसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो तीसरा तो अपने आप यहाँ पे आके मीट करेगा यहाँ पे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आप इस फिगर को देखो तो देखो, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ये दिया हुआ है, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ये दिया हुआ है, तो ये हमारा वो हमारा इन सेंटर आ गया। अब हमें कुछ रिजल्ट याद रखना है। तो अगर ये एंगल थीटा है, या ए मान लो, इसको डायरेक्ट ए दिया है ना, एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है। अरे एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम? तो अगर ये एंगल ए दिया हुआ है, ये एंगल ए है, तो ये हमारा 90 + a/2 हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो अगर ये आपका 40 है तो आपका ये कितना हो जाएगा, 90 + 40/2, 90 + 20, जो कि आपका 110 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया ये एंगल कितना हो गया, 110, 90 + θ/2। अगर ये थीटा है तो ये 90 + θ/2 हो जाएगा। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे तो देखो इंटरनल बाइसेक्टर था, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर था। यहाँ पे देखो एंगल बी का एक्सटर्नल है, एंगल बी और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो अगर ये आपका एक्स डिग्री है तो ये आपका 90 - x/2 हो जाएगा। तो हमने दो रिजल्ट देगा, अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो अगर ये थीटा है तो ये 90 + θ/2 हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो ये थीटा है तो ये आपका 90 - θ/2 हो जाएगा। ये आपको याद करना है। तो आप देखो यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है और ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 + 72/2 हो जाएगा, 90 + θ/2। तो 90 + θ/2, θ/2 हमारा 36 हो जाएगा, तो 90 + 36 तो ये हमारा 126 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है ये 90 - θ/2 होता है, तो 90 - θ हमारा कितना है, 70 है, तो 90 - 35 = 55। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आएंगी, बहुत ही ईजी बात है ये। अब देखो, ये हमसे यहाँ पे एंगल ए बताना है, एंगल ए क्या होगा, तो ये 120 है तो ये भी 120 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। और आपको पता है 90 + θ/2 जो होता है वो आपका 120 दिया हुआ है, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 90 है सॉरी, तो आपके थीटा यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60। ऐसे अगर इस केस में देखो तो आपको पता है 90 - θ/2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी, तो ये आपका 60 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या आपको फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत है, मैं आपको एक छोटी सी बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा दिमाग में कर सकोगे, माइंड में ही देखो। और ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, तो ये कोई महान काम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद ये सब बातें सोचने लगोगे। जैसे यहाँ पे है 120, यहाँ पे 120 है, तुम्हें पता है ये 120 है, 90 + 30 है, तो 30 की, और वहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, 90 + θ/2, मतलब θ/2 की ये वैल्यू 30 है, तो ये वैल्यू हमारी 60 है। ऐसे ही हमें पता है ये 90 - θ/2 होता है, और अगर आप एक्चुअली देखो तो ये 90 - 30 है, तो 90 - 30, 90 - θ/2, मतलब θ/2 की वैल्यू हमारी 30 है, तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। अब हम सर्कम सेंटर पे आ जाते हैं। तो हमने इन सेंटर देख लिया कि एक ट्रेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है जो तीनों साइड को टच करता हुआ जा रहा है, तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा इन सेंटर हो गया। सर्कम सेंटर क्या होता है कि एक ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल का तीन वर्टेक्स होंगे, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस तीनों वर्टेक्स से सिर्फ एक सर्कल पास होगा। तो यहां से भी एक सर्कल पास हुआ है, और इस सर्कल का जो भी सेंटर है वो हमारा इन सेंटर है। देखो ये इन आपका सॉरी सर्कम सेंटर है,
तो ये आपका सरकम सेंटर हो गया। अब देखो ये हम पहले आपको ये बात बता दूं, फिर एक बात और बतानी है। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जैसे अगर आप ये देखो इसको ऑब्जर्व करो, हमने बताया था कि कोई भी दो पॉइंट है या एक आर्क है, तो जितना सेंटर पे वो एंगल सब्सटेंड करेगा वो डबल रहेगा जो भी एंगल हो सर्कमफ्रेंस पे अगर वो करेगा सब्सटेंड। तो अगर ये एक्स है तो ये हमारा 2x होगा, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये हमारा थीटा होगा, ये 62 है तो ये हमारा 124 होगा। तो जो हमने ये देखा ना अभी, ये सेम चीज है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ऐसे, ये देखो ये एक ट्रेंगल ही है, ये देखो ये एक ट्रेंगल ही है, और आप देखो इसके तीनों ही वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो रहा है। तो अगर ये एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। यहां पे भी देखो ये एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ये ट्रेंगल हमें दिया हुआ है, और इसके तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो रहा है, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है यही हमारा सरकम सेंटर हो गया। तो ये हमने देख ही लिया, ये हमारा 124 हो जाएगा। तो ये चीज है। अब आप यहां पे भी देखो, ये आपको एक क्या दिया है, आपको दिया है ये आपका एक तीन वर्टेक्स है, एक ट्रेंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स जो है इससे एक सर्कल पास हो रहा है। तो ये आपका आपका क्या हो गया, एक आपका ये आपका सर्कम सेंटर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करो कि यहां पे देखो आपका जो ये ट्रेंगल है तो आपका सर्कम सेंटर जो है ना वो ट्रेंगल के अंदर है, यहां पे आपका बाहर है सर्कम सेंटर और यहां पे आपका साइड पे ही है। तो जो भी आपका सर्कम सेंटर है वो आपका अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और साइड पे भी हो सकता है ट्रेंगल के। आपको एक चीज और समझनी है कि अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट, तो आपका जो सर्कम सेंटर वो ट्रेंगल के अंदर रहेगा, यहां पे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है तो इस केस में वो आपका बाहर रहेगा ट्रेंगल से, और ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो इस केस में आपका हाइपोटेन्यूज की साइड पर रहेगा। और आपको पता है अगर ये सेंटर है तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो जो आपका हाइपोटेन्यूज का हाफ है वही आपका सरकम रेडियस हो जाएगा। जैसे सरकम रेडियस क्या है, जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है और एक सर्कल है, तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो सरकम सेंटर है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो सरकम रेडियस है। ऐसे ऊपर वाले जो सर्कल का रेडियस था वो हमारा इन रेडियस था। जैसे इस केस में जो आपका ये दिया हुआ है, ये चीज ये चीज ये चीज, ये आपका इन रेडियस है और वो आपका सर्कम रेडियस है। और आप देखो इस केस में जो हमने इन सेंटर देखा, इसमें ट्रेंगल के अंदर ही सर्कल आएगा क्योंकि तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, तो सर्कल जो ट्रेंगल है उसके अंदर ही सर्कल आएगा। और जब उसके अंदर ही सर्कल आएगा और सर्कल के अंदर ही सेंटर लाई करता है, तो जो आपका इन सेंटर है वो ऑलवेज आपका ट्रेंगल के अंदर आएगा या सर्कल के अंदर तो आएगा ही आएगा, तो ये आपका ऑलवेज ट्रेंगल के अंदर आएगा। और जो सर्कम सेंटर है वो आपका बाहर भी आ सकता है अंदर भी आ सकता है। तो ये चीज आप देख लिए। साथ में आप एक बार राइट एंगल ट्रेंगल और देखो, राइट एंगल ट्रेंगल देखना नहीं है, मैंने बता दिया कि जो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है वो आपका सर्कम रेडियस होता है। और इन रेडियस के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे अलग से, हम इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे प्रॉपर अलग देखेंगे हम। अब देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हमने इन सेंटर पढ़ लिया, हमने सर्कम सेंटर पढ़ लिया, अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तीनों एल्टीट्यूड, जैसे यहां पे हमने एल्टीट्यूड डाल दिया, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है बेसिकली। तो इसका जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए कि ये आखिर होते क्या है, क्योंकि जो भी आपके से क्वेश्चन देगा ना वो सर्कम सेंटर इन सेंटर ऐसे लिख के देगा, वरना अगर आपको बता देगा क्या होता है तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज है। तो जैसे अगर आपको यहां पे दिया ये, आपको पहले मैं इस फिगर में दिखा दूं कि अगर ये एंगल ए है, आपको पता है ये तो 90 है, ये भी 90 है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है, तो ये दोनों तो 180 हो गया, इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का भी सम 180 होगा। तो अगर ये एंगल ये है ए है तो ये आपका 180 माइनस ए हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ कुछ समझना नहीं है। तो आपसे क्या कहेगा, एक ट्रेंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर ये है, आपको ये एंगल दे देगा और आपको ये एंगल पूछ लेगा, ये एंगल। तो आपको पता है जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये आपका 90 है, ये आपका सपोज दे दिया 30 है, तो आपको पता है ये 90 90 होगा, 180 हो गया, इन दोनों का भी सब 180 होगा, तो ये 30 है तो ये आपका 150 हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रेंगल है ए बी सी, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट्स एट ओ। तो देखो ये हमें ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी, और बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर,
ये आपका मीट कर रहा है यहाँ पे किसी पॉइंट पे जिसको हमने ओ नाम दिया, तो आपको पता है कि ये आपका इन सेंटर है, इतना तो आपको पता है। हमसे BAC 72 दे रखा है, हमसे BOC पूछा है, हमें पता है 90+θ/2, 90+36 तो आपका 126 हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमने ऊपर किया, यहाँ पे लैंग्वेज में बस किया है। अब देखो, फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर जो बाहर वाला, जो इसके बाहर सर्कल बनेगा उसका सेंटर। तो अभी हम सिर्फ ट्रेंगल ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई जेड एक ट्रेंगल दिया हुआ है। फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल, एल यहां पे सर्कम सेंटर माना हुआ है। सर्कम सेंटर आपको पता है क्या होता है, एल एम इज ड्रॉन ऑन साइड वाई जेड, वाई जेड पे एक परपेंडिकुलर, नहीं का परपेंडिकुलर एल एम ड्रॉ हुआ है, एल एम। एक्स वाई जेड, वाई सॉरी वाई एक्स जेड आपका 60 दिखा हुआ, ये आपका 60 दिखा है। आपसे पूछा है वाई एल एम की वैल्यू, वाई एल एम की वैल्यू आपसे पूछी है। तो पहली बात तो आपको ये पता है कि ये तो आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि ये सरकम सरकम सेंटर दिया हुआ, तो ये 120 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो तो ये साइड इसके इक्वल है, और आपका ये साइड, ये आपको कॉमन है, ये आपका कॉमन है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आर एच एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, आपका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये 120 है तो आपका ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती तो मैंने पीछे बता रखा है, तो ये 60 हो जाएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये 120 हो जाएगा, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। अब आ जाओ, अब हमें चार स्टेटमेंट दिए, पूछा कौन सा गलत है। तुमसे कह रहा है द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच सर्कम स्क्राइब द ट्रेंगल, तो हमने ये पढ़ा। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे ये ट्रेंगल है, इसके अंदर कोई सर्कल है जो तीनों साइड को टच कर रहा है, तो इसको हम इंस्क्राइब्ड बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड बोलेंगे। और अगर ये कोई ट्रेंगल है ऐसे साइड पास हो रहा है तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ, तो इसको हम सर्कम स्क्राइब्ड बोलेंगे, सर्कम स्क्राइब्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे वही चीज पूछा है कि जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, जो सर्कल्स ट्रेंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, ये ट्रेंगल हो गया इसको सर्कमस्क्राइब किया, तो ये जो सेंटर होता है इसको सर्कम सेंटर कहते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसी को, यही आपने बताया मुझे, तो ये हमारा सही हो जाएगा स्टेटमेंट। द एंगल फॉर्म बाई एनी साइड ऑफ अ इन सेंटर इज ऑलवेज 90 मोर देन द एंगल ऑफ द एट द अपोजिट वर्टेक्स। तो आपसे कह रहा है बेसिकली, ये कोई ट्रेंगल दिया है, ये आपको इन सेंटर दिया है, तो आपसे कह रहा है ये जो एंगल है, ये एंगल और जो ये एंगल है, ये एंगल जो है ये क्या इससे 90 ज्यादा होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90+θ होता है, तो ये तो गलत हो गया, आपने पढ़ा ये 90+θ/2 होता है, तो इसके हाफ से 90 ज्यादा है, उससे हाफ, उससे 90 ज्यादा नहीं है, उसके हाफ से 90 ज्यादा है, तो यही आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, एम इज द इन सेंटर ऑफ एक्स वाई जेड, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेंगे, एक्स वाई जेड, और आपको यहां पे इन सेंटर दिया है, तो आपको सर्कल नहीं बनाना है, अब आपको ट्रेंगल से ही जो भी खेल खेलना है ट्रेंगल से ही खेलना है। अब आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड, यहां पे एंगल की बात हो रही है बेसिकली, एंगल, ये एंगल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपका ये हो गया, और एक्स एम जेड, एक सेकेंड, वाई एक्स जेड सॉरी मैं पढ़ा नहीं, आई अपोलोजाइज। आपसे कह रहा है वाई एक्स जेड इसकी वैल्यू, और साथ में वाई एम जेड इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 150, और आपको पता है ये थीटा है, ये 90+θ/2 है, तो इन दोनों को सम करो तो 90+3θ/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें 150 दी है। तो हमसे बेसिकली किसकी वैल्यू पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछा है, इसको सॉल्व करके आप बहुत ही इजिली निकाल सकते हो। साथ में ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे, ये आपके लिए बिल्कुल ईजी है सारे क्वेश्चंस, ऊपर मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। अब आ जाओ, मीडियन क्या होता है, तो किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली जो साइड पे है ना उसके मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो मीडियन हो जाएगा। अगर ये कोई लाइन है इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसको इस वाले वर्टेक्स से आप ज्वाइन कर दोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। क्लियर हो गया, मीडियन एकदम क्लियर हो गया। अब मीडियन की वैल्यू निकालने, जैसे एल ओ की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एल ओ की अगर वैल्यू निकालनी है, एल ओ की, तो इसका फॉर्मूला है एल ओ इक्वल्स टू हाफ बाहर लेंगे, और रूट के अंदर जो ये दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स, तो इसका 2 टाइम्स, 2LM² + 2LN² और माइनस, ये सामने वाले साइड को माइनस करते हैं, NM² ये आपका फॉर्मूला हो जाता है।
तो ऐसे अगर आप देख लो, अगर आपको एम ए निकालना है तो आप करोगे हाफ बाहर रखोगे रूट में 2b² + 2c² - a² ऐसे आपको कुछ भी निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आपसे अगर मीडियन डायरेक्ट निकालने को आए, तीनों साइड्स दिए हो, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे? इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हो। अब हमें राइट एंगल ट्रेंगल में थोड़ा मीडियन को ऑब्जर्व करना है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और हमसे इस वाले मीडियन को हमें ऑब्जर्व करना है। तो आपको पता है अगर ये मीडियन है तो इसको तो ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा, आखिर इसका मिड पॉइंट ही तो होता है। तो अगर ये हाइपोटनूज है तो आपका ये दोनों हाइपोटनूज बाई टू हो जाएगा। साथ में अगर आप एक सर्कल पास करो इससे अगर आप एक सर्कल पास करो, और आपको एक चीज और याद होगी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल है ना, तो देखो अगर इससे सर्कल पास होगा तो मतलब इसके जो, अगर देखो ये है और ये हमने सर्कल पास किया, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो आपको ये बात पता चल जाएगी जो हाइपोटेन्यूज होता है वो डायमीटर की तरह काम करेगा, डायमीटर की तरह काम करेगा, क्योंकि जो भी डायमीटर होता है वही उसको सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री सब्सटेंड करता है। इतनी बात आपको पता है। तो अगर हम इस पे सर्कल पास करेंगे तो ये डायमीटर की तरह काम करेगा, और आप देखो ये डायमीटर की तरह काम करेगा, ये आपका एच है, ये आपका आर आर है, ये आपका आर आर है, इसी को मैंने यहां पे ड्रॉ किया है सर्कल के अंदर। और आप अगर इसको ज्वाइन करो तो ये भी तो रेडियस है, ये भी आर होगा, मतलब आपका ये भी रेडियस हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आपका तीनों ही इक्वल होगा इस केस में। तो आपका मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप सीधे बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज बाई टू। इतना आपको समझ में आ गया। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे आपको कोई भी ट्रेंगल दिया है, आपको कोई भी ट्रेंगल दिया है, इसका आपको मीडियन दिया है, इसका आपको मीडियन दिया है, मीडियन का मतलब ये तो है कि ये दोनों बराबर होंगे, और अगर आपको ये भी बराबर दे दिया तो आपको समझ जाना ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और ये आपका रेडियस है, और ये आपका 90 डिग्री ही होगा। मतलब अगर आपको जो मीडियन है ये ऐसे इसके बराबर दे दे तो ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल ही है। बिल्कुल, मैंने इसी बात को कहा है यहाँ पे, इसी बात को मैंने यहाँ पे कहा है। तो ये चीज़ है। बाकी अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इन एसटीयू एक ट्रेंगल है, एसटीयू एसटीयू एस एक्स इज मीडियन, ये आपका एस एक्स इज मीडियन है, ऑन टीयू एस एक्स इक्वल टू 2x, मतलब ये आपका इसके बराबर दिया, और आपको पता है ये तो इसके बराबर होगा ही क्योंकि मीडियन है। तो आपको पता चल गया कि आप किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्रेंगल की बात हो रही है, और आपसे यही पूछा है टी एस यू, इसी एंगल की वैल्यू पूछा, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है, आपको ऑब्जर्व करना है बस। देखो अब हमें लेंथ दे रखा है थ्री साइड्स ट्रेंगल की, ये आपको मीडियन निकालना है। तो आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, आप इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन जब आप इसमें ये वैल्यू डालोगे ना तो आप देखोगे कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है और कितना ये हार्ड हो जा रहा है। तो फिर आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए ये राइट एंगल ट्रेंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रेंगल में जो मीडियन होता है वो हाइपोटेन्यूज बाई टू होता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी टफ है, तो आप समझ जाओगे कि ये राइट एंगल ट्रेंगल भी हो सकता है। अब आपको अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप क्या करोगे, आप इसके ऑप्शन ऑप्शंस देखोगे तो आपको दिखेगा यार 48 का भी हाफ दिया है, 55 का भी हाफ दिया है, और 73 का भी हाफ दिया है, मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल बताना तो चाह रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल है ये बात। साथ में आप क्या करोगे, आप चेक कर लोगे सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो आपको पता है 8, 8, 64 होता है यूनिट डिजिट, इसका 25 होता है, मतलब 9 हो गया, इसकी भी यूनिट डिजिट 9 आ रही है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, पॉसिबिलिटी है। तो आपका 73 का हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाता है, 73 का हाफ आपका 36.2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बिना सोचे इसको टिक करके आगे निकल लोगे, और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ सेंट्रॉयड क्या होता है, तुमने मीडियंस देख लिया, और एक सर्कल के तीन मीडियंस होते हैं, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। देखो यहाँ पे एम ए भी निकाला है, ये एक मीडियन हो गया, ऐसे यहाँ पे भी एक मीडियन होगा, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, ऐसे यहाँ पे भी एक मीडियन हो जाएगा जो इसको आप हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों मीडियन जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको जनरली हम जी से डिनोट करते हैं, तो जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा जी मीडियन हो गया। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जैसे ये मीडियन है, ये सेंट्रॉयड है, तो ये आपका 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे अगर आप इस वर्टेक्स से चल रहे हो तो ये आपका 2 होगा, ये 1 होगा रेशियो, ऐसे ही आप अगर इस वर्टेक्स से जा रहे हो यहाँ से सी से, तो आपका ये 2 होगा, ये 1 होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इतना हो गया।
अब देखो, और ये हमेशा ट्रेंगल के अंदर ही पाया जाएगा क्योंकि मीडियन जो होता है ट्रेंगल के अंदर ही होता है, तो मीडियन पे ही तो सेंट्रॉयड होगा, तो वो आपका सेंट्रॉयड भी अंदर ही होगा। तो हमने क्या पढ़ा, इन सेंटर अंदर होता है, सेंट्रॉयड भी अंदर होता है, सर्कम सेंटर ट्रेंगल के बाहर भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। एक्यूट के लिए अंदर अंदर होगा, राइट एंगल पे हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, उसी पॉइंट हाफ पे होगा पॉइंट पे, और आपका ऑब्ट्यूज के लिए बाहर होता है। तो हम ये 2:1 हमने पढ़ लिया। अब देखो, जैसे ये मीडियन दिया हुआ है, यहाँ पे ये मीडियन दिया हुआ है, अगर आप इस ट्रेंगल को देखो तो आपका ये मीडियन दिया हुआ है, और आपको पता है ये 2:1 होता है, तो अगर 2 का मतलब 3 है, तो इसका मतलब आपका, सॉरी, 2 का मतलब 6 है, तो 1 का मतलब 3 हो जाएगा। तो मतलब अगर इसकी लेंथ पूछ ले तो आप बता दोगे कि इसकी लेंथ 9 हो जाएगी। तो आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इस केस में टोटल 36 दे रखा है, आपको पता है 2:1, 3 की वैल्यू 36 दी है, मतलब इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, समझ गए? तो ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे कहा है, इन अ ट्रेंगल ए बी सी द मीडियन बी ई इंटरसेक्ट ए सी एट ई, तो जो आपका बी ई है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ABC, द मीडियन बी ई, ये बी ई मीडियन है, इंटरसेक्ट ए सी एट ई, ठीक है, इफ बी जी को, जी मतलब सेंट्रॉयड, यहाँ पे सेंट्रॉयड दिया भी है, जी का मतलब जी सेंट्रॉयड है और बी जी आपका 12 है, तो आपको पता ही फिर 6 हो जाएगा क्योंकि 2:1 होता है, और आपसे पूछा क्या है बी ई, तो आपका बी ई 18 हो जाएगा, तो बिल्कुल टफ नहीं था। अब देखो, आपको मीडियन से रिलेटेड एक अच्छा सा रिजल्ट याद रखना है कि अगर मीडियन परपेंडिकुलर कट कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये आपका मीडियन है और ये आपका मीडियन है, तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे है, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, यहाँ पे लिखा है मीडियन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलरली, तो यहाँ आपको वो रिजल्ट याद रखना है कि पहली बात तो ये आपका 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो साइड है वो आपको यहाँ पे रखनी है 5b² और बाकी इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, तो AB² + AC² = 5BC² ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट याद हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। टू मीडियंस QT एंड RS ऑफ अ ट्रेंगल PQR, तो सबसे पहले हमने PQR को हमने बना लिया, हमसे कह रहा है टू मीडियंस QT एंड RS इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब ये 90 डिग्री है आपका, देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, चारों ये 90 90 डिग्री हो गए। अब हमसे कह रहा है QT जो है ना वो हमारा 18 है, तो हमें पता है 2:1 में काटेगा, तो आपका ये 12 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आई। और RS 27 दिया है, RS 27 दिया, तो आपको पता है 2:1 18 और 9, इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। अब देखो क्या कह रहा है, QS पूछा है हमसे, ये पूछा है QS, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, पाइथागोरस लगा देंगे, 12 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, तो ये आपका 15 आ जाएगा और उसका रूट, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो हमसे QS पूछा है, इजी क्वेश्चन था। अब देख लो, ऐसे ही एक ट्रेंगल STU है, STU, SENTF, SENTF इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इफ UT = 34, UT हमारा 34 दिया है, UT हमारा 34 दिया है, ठीक है, अगर ये 34 दिया है, ये मीडियन ही तो है, तो ये तो हमारा 17 17 हो जाएगा, UT हमारा 34 दिया तो ये 17 17 हो गया, TF 22.5, तो ये 2:1 में होगा, तो आपको पता है 7 * 3 = 21 होता है, और ये 1.5 भी है, मतलब आपका 7.5 7.5 चल रहा है, तो आपका ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 7.5, इतनी बात आपको समझ में आ गई। SE 24 दिया है, 24 मतलब 8 * 3 = 24 होता है, तो ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, क्लियर? 2:1 किया है बस, और कुछ नहीं किया है। हमसे TOE एंगल पूछा है, TOE ये आपका O दिया हुआ है और ये एंगल पूछा है, तो आप देखोगे ये 15 है, ये 8 है और ये 17 है, तो ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल का है, जैसे आप 15 का स्क्वायर करोगे, 225 और 64 जोड़ोगे तो आपका 289 आएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, इजी था, कोई टफ नहीं था इसमें। देखो यार, आपको सारे प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, उसके ज्योमेट्री की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक बार आप पकड़ बना लिए ना, तो जैसे मानो सिंपल इंटरेस्ट मिक्सर एलिगेशन का कोई क्वेश्चन टफ आ गया ना, तो वहां टफ आ सकता है, यहाँ आपसे इजी ही चांसेस ये रहते हैं ना कि आप डू कर ले हुए। मेरा भी, मैं भी जब मॉक देता था ना, मेरा ज्योमेट्री वगैरह का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता था,
मानो कभी कंपाउंड में तगड़ी कैलकुलेशन आ गई तो वहां चीजें गलत हो सकती हैं। मिक्सचलाइजेशन कोई अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया तो वहां चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन इस ज्योमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में, सब में चांसेस गलत होने की बहुत कम हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो। आपका यहाँ नंबर कटता ही नहीं है। तो ये आप फॉर्मूला को नोट्स बना रहे हो तो, नहीं बना रहे तो बनाओ भाई, नोट्स बनाओ, उसको मल्टीपल टाइम डेली आप रिवाइज करो, 2 या 3 दिन पर रिवाइज करो, जैसे भी आपका पॉसिबल हो, बस आप प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस ज्यादा रखनी है। तो बस यही है, ये चैप्टर कॉन्करर करने का तरीका यही है भाई। अब देखो, इन एन इन द आइसो स्केलस ट्रेंगल एबीसी, ये एबीसी ये आपको ट्रेंगल दे रखा है, ए बी और सी। बी सी बिंग द अनइक्वल साइड, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है और ये अनइक्वल साइड है। एंड द लाइन ए डी इज द मीडियन, ए डी जो है ये आपका मीडियन है, मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, वर्टेक्स ए से बी सी साइड पे, ठीक है। ए सी का हमें दिया है 5। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताई थी कि आइसो स्केलस ट्रैंगल हो या इक्विलेटरल ट्रैंगल हो, इसका जो एल्टीट्यूड होता है, मीडियन होता है, ये सब आपका एक ही पे लाई करता है, समझ रहे हो। और आपका ये जो पूरा आइसो स्केलस ट्रैंगल है या इक्विलेटरल ट्रैंगल है, इसको बिल्कुल सिमेट्री में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर आपका ये आइसो स्केलस ट्रैंगल मान लो है और ये आपका इक्विलेटरल ट्रैंगल है, तो आप मीडियन ड्रॉ करो या आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये सब 90 डिग्री रहेगा, एक ही पे लाई करेगा, और आपका ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है एकदम कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, एकदम सिमेट्री, एकदम सिमेट्री। कैसे, ये साइड इसके इक्वल है, इसमें भी ये साइड इसके इक्वल है, एक सेकेंड में थोड़ा अच्छे से दिखा दूं। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसमें इसके इक्वल है, आपको पता है ये एंगल इसके इक्वल है, इसमें भी ये एंगल इसके इक्वल है, साथ में आपको ये भी पता है कि ये जो साइड है, ये वाली साइड ये कॉमन है, और आपको पता है ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो आपको ये भी पता है कि ये इसके बराबर होगा, तो एस 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 से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ पे भी आपका ये इससे बराबर है तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आपको ये बस याद रखना कि सिमिट्री हो जाता है एकदम। तो इस केस में भी, अगर इस केस में भी देखो, आपको ए सी 5 दिया है और लेंथ ऑफ मीडियन आपको 4 दिया, मतलब ये आपका 4 दिया, आपको पता है सिमिट्री है, मतलब ये 90 90 डिग्री है, और आप कॉन्ग्रुएंस भी प्रूव कर सकते हो, ये कॉमन हो गया, ये इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है, पता है आपको, तो ये आपका 3 हो जाएगा पाइथागोरस से, और ये 3 है तो ये भी 3 है, मतलब ये टोटल 6 हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। इजी था, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इन्हीं पे बेस्ड है, आसान है। अब आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी ट्रेंगल है उसके अंदर आपका ऑर्थो सेंटर हो सकता है, सेंट्रोइड हो सकता है और सर्कम सेंटर हो सकता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर होते हैं, साथ में जो सेंट्रोइड होता है, यहाँ पे सेंट्रोइड हो गया, ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। आपको ये भी बात याद रखें, ऑर्थो सेंटर से सेंट्रोइड की दूरी 2 होती है और सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी 1 होती है, मतलब रेशियो में, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जो सेंट्रोइड है आपका ये अगर लाइन है तो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ कुछ रिजल्ट और देख लेते हैं। जो मीडियंस का सम है, 3 मीडियन होंगे, उनका जो सम होता है वो हमेशा ट्रेंगल्स की साइड के सम, मतलब उसके सेमी पेरीमीटर से हमेशा ज्यादा होता है, ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है, उसके सेमी पेरीमीटर से हमेशा ज्यादा होता है। साथ में आप ये देख लो एल्टीट्यूड है यहाँ पे, तो आपका जो साइड्स का सम है वो आपके एल्टीट्यूड से ज्यादा होगा, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिख रहा है चीजें। जैसे अगर ये एल्टीट्यूड है, अगर ये एडी एल्टीट्यूड है, तो आपको पता है ये हाइपोटेनूज होगा, अगर आप ये ट्रेंगल देखो तो ये आपका हाइपोटेनूज है, और हाइपोटेनूज तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर से ज्यादा ही होगा, तो मतलब ए बी हमेशा ए डी से ज्यादा होगा, तो आपको क्या समझना है, आपका जो ए डी है, आपको मैंने क्या बताया, आपका जो ए बी है, ए बी हाइपोटेनूज है, ये एल्टीट्यूड है, तो आपका ए बी हमेशा ए डी से ज्यादा होगा, आपका बी सी हमेशा इससे ज्यादा होगा, आपका ये हमेशा इससे ज्यादा होगा, तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये सब चीजें याद, चलो कर लो अच्छी बात है, वरना आपको ऑब्जर्व, आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आप सोच सको ये सब चीजें। अब देखो पाइथागोरस हमने देख चुका है, पाइथागोरस क्या होता है, ए स्क्वायर, अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर होता है, या बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब देखो मान लो ऐसा कोई रिजल्ट दिया है, तो क्या आपको एक्चुअल में ये रिजल्ट याद करने की जरूरत है, जैसे आपको दे दिया ऐसे, आपको सर्कल ट्रेंगल बना दिया, ऐसा फिगर बना दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, 4 ऑप्शन टर्म्स में ऐसे अलग अलग 4 इक्वेशन दे दी, आपको बताना है कौन सा इक्वेशन सही है, तो क्या आपको ये रिजल्ट याद रहता तभी आप ये कर पाते, तो इसका आंसर है नहीं।
आप थोड़ा हाथ चलाओ, इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा है हमसे ए बी स्क्वायर पूछा है, तो ए बी स्क्वायर आपको पता है यहाँ पे ई डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इक्वेशन में देखोगे कि इक्वेशन में कहाँ कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, तो आप देखोगे ए सी स्क्वायर आ रहा है जो आपका यहाँ पे नहीं आया, बी सी स्क्वायर आ रहा है जो आपका नहीं आया। तो आप देखो बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर कैसे लाओगे? आपको पता है बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी है, तो बी डी को आप बी सी प्लस सी डी लिखोगे और उसको खोल दोगे तो आपका बी सी स्क्वायर प्लस आपका सी डी स्क्वायर प्लस आपका 2BC.CD ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, आपका अब देखो आपका यहाँ पे बी सी स्क्वायर आ चुका है और आपका ये भी आ चुका है टर्म। अब आप देखो आपको आपसे क्या आ रहा है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर आ रहा है। ए सी स्क्वायर कैसे लाओगे? आपको पता है ए सी स्क्वायर जो होता है ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होगा, मतलब इस टर्म को इसने ए सी स्क्वायर लिख दिया, तो आपका यही वाला सेम टर्म आ गया, सेम टर्म आ गया। तो मैं तो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ये 3 लाइन लिखने में कितना सेकंड लगेगा? 10 से 12 सेकंड लगेगा। तो आपको इसके लिए कोई अलग से रिजल्ट याद नहीं करना है। देखो दिक्कत क्या होती है कि जो भी मार्केट में एक दो फॉर्मूला वाली जो बुक्स आती हैं आजकल, तो ये आजकल आ रही हैं, और आप देखोगे ना मेरे पास भी दो हैं, आप समझ गए कौन से दो मेरे पास होंगी। दोनों अलग अलग टीचर्स की हैं, मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ाया उसका फिर मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा। दिक्कत क्या है ना, आपको अलग अलग केस के रिजल्ट्स आपको बस दिखा के कोशिश की जा रही है कूल बनने की ना, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप जैसे पढ़ने में अगर समझदार हो तो आपको पता है कि चीज़ें जो चीज़ जरूरी है क्या चीज़ जरूरी है आपको समझ में आ जाता है। लेकिन यही है, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, 50 out of 50 आप अच्छे खासे नंबर आते हैं, आप उससे ऑनेस्ट रिव्यू लो, जो आप जिसको पर्सनली जानते हो आप कि भाई ये बुक कैसी है, क्या इसका यूज है, ये सब तो आपको अच्छे से बता देगा ना। आप मेरी बात पर विश्वास मत करो, लेकिन उसमें जो है ना सिर्फ बहुत ही 3 से 4% चीजें ही काम की हैं, बाकी सारी चीजें बस अलग अलग केस बना के अलग अलग केस बना के बता दिया गया है। तो ये चीजें 3 से 4% नहीं, लेकिन टू बी प्रिसाइज 10 से 15%, 10 से 15% चीजें ही काम की हैं, बाकी सब फालतू दी हुई है उसमें। जैसे ये चीज दिया हुआ है अगर, तो ये फालतू है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज है, जैसे कि मान लो अगर ये चीज दी हुई है तो ये फालतू है, ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। बाकी यही है, जैसे भी ये चीज आ गया, इसमें भी कुछ चीजें दी हुई हैं, मैं बताऊंगा कैसे फालतू है। अब देखो आपको ये रिजल्ट है आपका, एक राइट एंगल ट्रेंगल है और यहाँ पे एक एल्टीट्यूड डाला हुआ है, समझ गए? अगर आपको इस ट्रेंगल का एरिया निकालना हो तो आप क्या करो, आप या तो ऐसे निकाल लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका बेस हो गया बी सी, आपका हाइट ए डी हो ए बी हो गया, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आप इसको बेस मान लो और इसको आप हाइट मान लो, ऐसे भी निकाल सकते हो। और आप जब इसको एरिया इक्वल करोगे तो आपका सिंपल ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ए बी हाफ हाफ कट जाएगा, ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू आपका ए सी इंटू बी डी आ जाएगा। तो ये आपको याद करने के कोई अलग से, ये कोई बहुत ही तगड़ा फार्मूला नहीं हो गया, ये बेसिक है एकदम। अब आप देखो आपको ये फार्मूला याद करना है कि अगर आपको बी सी निकालना है तो जो बी सी का स्क्वायर होता है ना, ये बी सी आपको ये निकालना है। ये एक बार मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं है मेरे पास तो मैं ऐसे बता नहीं सकता आपको, तो एक बार हाईलाइटर ले लेने दो मुझे। तो आपका जो बी सी का स्क्वायर होता है ना, वो आपको एक बार यहाँ से यहाँ जाना है और दूसरी बार यहीं से यहाँ जाना है। मैं इसलिए डायग्राम बना के बताता हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही अपने चीज़ों को दिमाग में मेमोराइज किया है, वरना आप ए बी बी सी इन सब में कन्फ्यूज हो गए। तो आपको एक बार यहां से यहां जाना है और एक बार यहां से यहां जाना है, और जब आप ये निकाल रहे हो तब आपको ऐसे जाना है। अगर आप ये निकालते तो आपको एक बार यहां से यहां जाना रहता और एक बार आपको यहां से यहां जाना रहता, समझ गए? तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार ये, एक सेकेंड। तो आपको अगर बी सी स्क्वायर निकालना है, ये आपको निकालना है बी सी स्क्वायर, तो एक बार सी डी इंटू ए सी करोगे, तो यहाँ पे सी डी इंटू ए सी किया है। ऐसे ही अगर आपको अगर आपको ए बी निकालना होता तो ए बी स्क्वायर जो होता, आप एक बार यहां से यहां जाते और एक बार आप यहां से यहां जाते, मतलब ए डी इंटू ए सी कर देते, तो यहाँ पे ए डी इंटू डी सी क्या है जो कि गलत लिखा है, यहाँ पे ए डी इंटू ए सी होगा, ए डी इंटू ए सी होगा। तो समझ गए आप लोग कैसे निकालेंगे? बाकी देखो जैसे आपको अगर ये फार्मूला दिया है तो क्या ये काम का फार्मूला है? आप देखो आपको यहाँ पे दो चीजें दी होंगी, एक चीजें पूछी होंगी आपसे, जैसे ये चीज दी है आपको एक चीज पूछी है। तो अगर आपको सपोज बी डी पूछा है आपसे, तो आपको ए बी दिया है बी सी दिया है, आपको ए बी दिया है ये दिया है और आपको ये दिया है, तो आप इजिली ये निकाल सकते हो,
एसी निकाल सकते हो, और अगर आप एसी निकाल लिए तो आपको ये चीज़ भी पता है तो आप आराम से बीडी निकाल सकते हो। तो इस फार्म में क्या आपको जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपको बस ये वाला फार्मूला याद रखना है, बाकी ये दोनों आपको, ये तो बिल्कुल जनरल है और ये आपको ये वाला याद नहीं रखना है। अब आ जाओ एक और रिजल्ट देख लो। देखो ए बी दिया हुआ है, अगर मानो जैसे अगर ये एक्स और वाई ऊपर वाला ही फिगर है सेम, वही कंडीशंस हैं, यहाँ से एल्टीट्यूड डाला हुआ है बी डी, अगर ये एक्स वाई के रेशियो में है तो ये आपका एक्स स्क्वायर एरिया आपका वाई स्क्वायर के रेशियो में होगा। समझ गए? इतनी बात आप याद रखो। लेकिन अगर आप याद नहीं भी रखते तो भी आपका कम काम चल जाएगा। जैसे सपोज मान लो आपको ये ट्रेंगल दिया हुआ है और आपको पता है ये राइट एंगल ट्रेंगल है, अगर ये 6 है ये 8 है तो आपको पता है ये 10 हो जाएगा। इतनी बात आपको पता है, ये एक एल्टीट्यूड डाला हुआ है और आपको ये निकालना है, तो क्या आप इस फालतू के रेशियो से निकालोगे कि इसका रेशियो 36:64 हो जाएगा, ऐसे निकालोगे? अरे आपको तो मैंने अभी बताया 6 का स्क्वायर जो होता है वो इतना इंटू इतना होता है, थोड़ा 6 का स्क्वायर आपका इसको एक्स मान लो तो एक्स इंटू 10 हो जाएगा, तो आपका 3.6 आ जाएगा। तो आप इस रेशियो से निकालोगे या इस तरीके से निकालोगे? तो आप इस तरीके से निकालो। एक ही फार्मूले को 10 तरीके से लिख दिया जाता है और आपको लगता है बहुत ज़्यादा कूल है, तो बस यही चीज़ है, यही सच्चाई है। अब हम कुछ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले देखेंगे। ये जनरली मुझे मुझे एक्चुअली मैंने सारे पेपर्स नहीं देखे, लेकिन जहाँ तक मैं मुझे पता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मॉक में एक दो बार इससे क्वेश्चन आया है, तो मैंने जो फार्मूला नोट्स बनाए थे, अगर कोई चीज़ नई चीज़ टकरा जाती है तो मैं उसको नोट करूंगा, ऑब्वियस है, तो मैंने इसको नोट किया था, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दिया जाए इसी वक्त। तो देखो बाकी आप इसको याद कर लो तो बेटर ही है। देखो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसकी साइड ए बी सी डी है ना, और ये आपको डायगोनल की लेंथ दी हुई है इसके, ये जो ई है ये ई है और ये आपका एफ है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा होता है चारों साइड के स्क्वायर का जो सम होता है, जैसे यहाँ पे चारों साइड के स्क्वायर का जो सम है उसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम है, साथ में 4g2। अब 4g2 क्या है? ये जो साइड आपको ई दी है ना, ई इसका मिड पॉइंट है आपका यहाँ पे, मिड पॉइंट आपका यहाँ पे, ऐसी जो आपकी साइड ये दी हुई है ये इसका जो मिड पॉइंट है वो आपका यहाँ पे है, और इसके बीच की जो दूरी है वो हमारी जी है। समझ गए इतनी बात? तो अब आपका क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 4g2। जी मैंने बता दिया आपको क्या है। अब आप जाओ, अब आप ये देखो, अगर ये पैरेललोग्राम होता, अगर ये फिगर पैरेललोग्राम होता तो क्या होता? पैरेललोग्राम में क्या होता है? दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे जो इसका डायगोनल होता है ना ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब इसका जो इस डायगोनल का मिड पॉइंट हो यहाँ पे होगा, इस डायगोनल का मिड पॉइंट जो होगा यहाँ पे होगा, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो खिसक के यहाँ पे आ जा रहा है इस केस में। तो इस केस में आपका जी जो है वो जीरो हो जा रहा है। किस केस में? इस पैरेललोग्राम के केस में। तो यहाँ पे आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपका सिंपली ये वाला टर्म आ जाएगा। तो समझ में आ गया दोनों रिजल्ट। एक रिजल्ट और देखो ट्रेपीजियम का है, इसमें क्या है? जो डायगोनल्स का स्क्वायर है ना, डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम है, इस डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम है वो आपका नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम, ये प्लस 2 टाइम्स ये इंटू ये। मैं इसलिए ऐसे फिगर बना ऐसे आपको हाईलाइट करके इसलिए बताता हूँ, क्योंकि ये टर्म थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, आपको दिमाग में मेमोराइज होना चाहिए ना दिमाग में कि हाँ ये चीज़ इसके ऐसे 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 होता है। जैसे मैंने याद किया है डायगोनल्स के स्क्वायर का सम करेंगे, फिर इन दोनों के स्क्वायर का सम करके ऐड करेंगे और 2 टाइम्स ये इंटू ये कर देंगे। तो ऐसे में दिमाग में मतलब चीज़ें इमेज के हिसाब से याद करता हूँ, तो वही आप ऐसे ऐसे याद करोगे ना एकदम ए बी सी डी करके तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि ए बी स्क्वायर जो होता है, ए बी स्क्वायर हम एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे और एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ऐसे ही मैंने अपने मेमोरी में याद किया, तो वही मैं आपको बता देता हूँ बस, ठीक है? अब देखो एक चीज़ और है, इसके बाद हम थोड़ा बाद में करेंगे। देखो इसमें क्या रिजल्ट है, बेसिकली हमें एक ट्रेंगल दिया हुआ है और उसका तीनों का मिड पॉइंट, अगर आप इसको मीडियन भी कह सकते हो अगर यहाँ से ड्रॉ कर दो, लेकिन तीनों का मिड पॉइंट है बेसिकली, तीनों का मिड पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए ना ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो एरिया, ये वाली जो एरिया और ये वाली जो एरिया, आपस में चारों एरिया इक्वल है। अब ये कैसे है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर देखो पहले यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, ऐसे ऐसे समझो कि आप अगर इस ट्रेंगल को लो, इस ट्रेंगल को लो, और अगर आप इस बड़े वाले ट्रेंगल को लो, ए बी सी को लो, ए बी और इस बड़े वाले ट्रेंगल को अगर लो, बड़े वाले ट्रेंगल को लिए, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपको पता है ये जो साइड है 1 है, ये वाली जो साइड है, एक से मैं दूसरा ले लूँ कलर,
ये वाली जो साइड है वो वन है, और ये जो पूरी साइड है ये आपकी टू है। अगर ये वन है तो ये टू है क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये साइड भी ऐसे वन है और ये आपका पूरा टू हो जाएगा, ये पूरा टू है। तो आपको पता है इसके साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, और दोनों केस में इक्वल आ रहा है, और आपको ये एंगल कॉमन है, मतलब एस ए एस से ये दोनों जो ट्रेंगल है सिमिलर प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ का मतलब है कि जो आपका ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये पैरेलल है, बेसिकली ये पैरेलल है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि या तो पैरेलल हो तो हम ये समझ जाएंगे दोनों सिमिलर है दोनों ट्रेंगल, या आपको दिया हो मिड पॉइंट है या इस रेशियो रेशियो बराबर है तो हम समझ जाएंगे कि पैरेलल है लाइन, वाइस वर्सा मैंने आपको बताया है पीछे। तो हमें पता चल गया सिमिलर है, अब देखो सिमिलर है और तो हमें पता चला ये जो है ये लाइन पैरेलल है, और हमें देखो ये आपको बराबर दे रखा है क्योंकि मीडियन मीडियन ही मिड पॉइंट है बेसिकली, तो आपको ये इसके इक्वल दे रखा है, मतलब बेस सेम है। अगर आप इस दोनों ट्रेंगल को देखो तब इनका बेस सेम है, इनकी हाइट भी सेम है क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की हाइट है, तो आपको इन दोनों ट्रेंगल का आपको एरिया इक्वल हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रेंगल इक्वल हो गया। ऐसे आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो, इसको इसको, और ऐसे आप इसको इसको भी इक्वल प्रूफ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। समझ में आ गया। अब आप ये देखो तो आपको पता है इसका रेशियो 1:2 है, जो छोटा वाला ट्रायंगल है जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके साइड का रेशियो 1:2 है। तो अगर मैं इस पूरे को इरेज करके आपको समझाऊं कुछ, तो तो 1:2 है, मतलब अगर ये पूरी साइड 2 है तो आपकी ये साइड जो है 1 हो जाएगी, ये 1 हो गई मतलब, और ये साइड अगर 2 है तो ये वाली साइड 1 हो जाएगी। तो अगर इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इसकी इस वाले ट्रायंगल की हाइट ये है और इस वाले ट्रायंगल की हाइट ये है, तो देखो हाइट सेम है, पैरेलल साइड के बीच में है, बेस सेम है, तो इसका जो एरिया है ये इसके एरिया के इक्वल हो गया। तो चारों एरिया हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो मतलब अगर इसका एरिया निकालें तो इस पूरे एरिया का 1/4 हो जाएगा। समझ गए। तो तीनों हमने क्या किया, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट लिया, उसको ज्वाइन किया, और उसके बीच का जो एरिया वो 1/4 हो गया, हमने देख लिया कैसे हो गया। तो इतना है, बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।